सो गाइस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एएफएम में अपन लोग मैक्सिमम स्कोर करें, स्पेशली इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट जो आपके एवरेज को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेगा, बिकॉज अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे 60-70 प्लस इज समथिंग दैट यू कैन रियली थिंक ऑफ इन दिस सब्जेक्ट. सबसे पहला पॉइंट है राइटिंग प्रैक्टिस. ऐसा कई बार होगा आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि यार ये तो मेरे को आता है, चल मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं. वही सेम सम एग्जाम में अगर आ गया और आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी, यू विल गेट स्टक. यू कैन आस्क योर सीनियर्स. ऐसा कई बार होता है, स्पेशली इन चैप्टर्स लाइक फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो में अगर आप लोग कभी कोई सम अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो अटक जाओगे. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ सम्स शुड बी वेरी वेरी रिलीजियसली डन इन एएफएम टू स्कोर बिग. सेकेंड, आप लोग का ग्रिप ऑन मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेटर शुड बी वेरी गुड. सो आप लोग को कैलकुलेशन एकदम फास्ट करने आना चाहिए इन योर कैलकुलेटर. शॉर्टकट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, एंड उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, यू कैन वॉच दैट आउट, सो दैट यू कैन बी अहेड इन द रेस. अगर पेपर लेंथी भी है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम. थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रिप इज थ्योरी. MCQs जो ये बार आने वाले हैं ना अप्रॉक्सिमेटली 30 मार्क्स के, वो आपके आने वाले हैं थ्योरी चैप्टर्स में से, एंड उसको भी अब कॉन्सेप्चुअली और एकदम इनडेप्थ करके करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप ये बार RTP का मेरा वीडियो देखोगे YouTube पे, तो उसमें दो क्वेश्चन मैंने कराए जो इंस्टीट्यूट ने पूछे, एंड दे आर वेरी लॉजिकल. तो प्लीज अब आपको डिग डीप करके लॉजिकली MCQs के लिए थ्योरी को भी बराबर से पढ़ना है. एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर्मूलाज. सब फॉर्मूलाज एकदम सेट होना चाहिए. यस, लॉजिकली फॉर्मूलाज आना चाहिए, बट एग्जामिनर को बताने के लिए कोवेरियंस का फॉर्मूला लिख के तो आना पड़ेगा ना. स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आता है वो करना तो पड़ेगा ना. तो ऑल फॉर्मूलाज शुड बी एट वन प्लेस सो दैट योर डायरेक्शन इज प्रॉपर, और एग्जाम के टाइम पे वो फॉर्मूला का हड़बड़ी ना रहे, एंड वी कैन मैनेज इट इन अ मच इजियर मैनर. अगर आप ये चार चीजों को properly follow करते हैं, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट. एंड ऑल माई बेस्ट विशेस टू यू, स्टे सब्सक्राइब, क्योंकि ये चार चीजों के ऊपर डेफिनेटली मैं मेरा फोकस रखने वाला हूं विद ऑल माई रिविजन सेशन ऑन माई यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चैनल. हास्ता ला विस्ता.